नारी को पहचानते नहीं, नारी एक चिंगारी है। अगर लाठी बरसाए तो कितनों को बरसाएगी सरकार, देख लेंगे हम लोग भी। नारियों में भी बहुत शक्ति है, नारी भी डरती नहीं है किसी से। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं, लड़ेंगे मरेंगे, जो भी होंगे देखा जाएगा। नहीं, अगर हम लोग ऐसा परिस्थिति में अगर उतरते हैं तो सरकार भी अपने सरकार से हिलने पर उतर आएगी। क्या उनको जरा भी महिलाओं को ठगने में शर्म नहीं आती है? यही हेमंत सोरेन सरकार की वजह से ही रोड पर उतर गए हैं। जब हम अगर रोड पर उतरेंगे तो आपको भी हम लोग रोड पर ही ले आएंगे। क्या हम सरकार का बंधुआ मजदूर बन गए हैं क्या, जो हमें खटा रहे इस तरह से? क्योंकि अगर सरकार एक महिला को मरने पे मजबूर कर सकती है तो ऐसा सरकार जनता क्यों चुनेगी? झारखंड राज्य जल सहिया संघ का जल सहिया की नौकरी स्थायी करने, 5 लाख का बीमा करने आदि 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 4 सप्ताह से राजभवन रांची के समक्ष चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मंगलवार को गढ़वा जिला के सैकड़ों जल सहिया शामिल हुई। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे लगाए, अपने हक की आवाज बुलंद किया। वहीं आज कुछ सरकारी अधिकारी धरना स्थल पहुंचे और कुछ महिलाओं को गाड़ी में बैठा कर ले गए। हम लोग आज यहाँ 25 दिनों से बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि ठंड के मौसम में भी पूरे झारखंड राज्य की जलसैया दीदी जो हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और लगातार प्रदर्शन किए जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो मंत्री है, इस विभाग के जो मंत्री आज तक हमसे मिलने नहीं आए हैं, न तो हमारा हाल चाल लिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या उनको जरा भी महिलाओं को ठगने में शर्म नहीं आती है? जो महिला गाँव जा कर के आपका काम करती हैं, आज उनको आप यहाँ सड़क पर बैठा कर रखे हैं। यही आपका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हम सम्मानजनक मानदेय देंगे? कौन सा सम्मानजनक मानदेय है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो गांव में आपको स्वच्छता अभियान को जागरूक करने का काम करती हैं, कचड़ों को साफ करवाने का काम करती हैं, आज रोड पर बैठे हुई हैं, अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ रही हैं, क्या यही आपका मान सम्मान है? क्या यही आप जल सहियाओं को सम्मानजनक मानदेय दे रहे हैं? जब आपने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 6 नंबर में आपने लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जल सहियाओं को सम्मानजनक मानदेय देंगे और समान काम का समान वेतन प्रदान करेंगे। लेकिन अब आप कहाँ हैं? कहाँ आपकी अंधी भरी सरकार सो रही है? हम पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से, क्या हम लोगों का कोई नहीं है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे, लेकिन हम लोग अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। पलामू जिला से प्रीति गुप्ता। नहीं, अगर हम लोग ऐसा परिस्थिति में अगर उतरते हैं तो सरकार भी अपने सरकार से हिलने पर उतर आएगी। क्योंकि अगर सरकार एक महिला को मरने पर मजबूर कर सकती है तो ऐसा सरकार जनता क्यों चुनेगी? आज जल सहिया अगर रोड पे उतरी है तो सिर्फ हेमंत सरकार की वजह से। और शर्म की बात तो ये है कि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार में नहीं आए थे, नहीं बना था, तो वो हम लोग को बोले जब रघुवर सरकार 1000 जब लागू किए कि ये कोई मानदेय है, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं हर एक क्या बोलेंगे जल सहिया को न्यूनतम मजदूरी दूंगा और किसी को भी धरना स्थल पर एकदम कार्यक्रम करने नहीं दूंगा। तो मेरा यही कहना है मंत्री से, अगर आप जब वादा किए हैं तो उस वादे पे आप खड़े उतरिए, नहीं तो हमारी जल सहिया बहने आपस में आपसे यही बोल के कहना चाहती है कि जब हम अगर रोड पे उतरेंगे तो आपको भी हम लोग रोड पे ही ले आएंगे, आपकी सरकार को हम अगले 5 साल के लिए नहीं बनने देंगे। सिमडेगा जिला से जिला अध्यक्ष। हमारी मांग है 5 सूत्री सरकार से हमारे स्थायीकरण और हमारे न्यूनतम मजदूरी और हमें साल में 2 बार ड्रेस दें। और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आज हम यही हेमंत सोरेन सरकार की वजह से ही रोड पर उतर गए हैं, क्योंकि हमें प्रोत्साहन राशि पर उतार दिया गया है। पहले 1000 रघुवर सरकार के माध्यम से दिया जाता था, वो तो 1 साल मिल गया, लेकिन जब से हेमंत सरकार आए हैं तब से हमें मात्र 3 महीना का मानदेय मिला है। तो बताइए क्या हमारा 3 महीना का मानदेय 3000 से हमारा बच्चों का परवरिश होगा? नहीं हो पाएगा। आज हमें गरीब से शायद गरीब बना के रख दिया है। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि उसका परिवार क्या 3000 से चलने वाला है? जब उसका परिवार नहीं चलेगा तो क्या हमारा परिवार चलेगा? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हम सरकार का बंधुआ मजदूर बन गए हैं क्या, जो हमें खटा रहे इस तरह से और हमें देने के लायक नहीं है? जब 1000 को छीन लिए तो क्या वो दे सकते हैं? पता नहीं देंगे या नहीं, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुआ तो हमारे मन में जो आए वो हम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, जो भी होंगे देखा जाएगा, लेकिन अपना हक हम लोग लेके रहेंगे। लाठी बरसाए तो कितनों को बरसाएगी सरकार, देख लेंगे हम लोग भी। नारियों में भी बहुत शक्ति है, नारी भी डरती नहीं।
है किसी से आई है। हम लोग को ना एक रुपया पैसा दिए हैं, सिर्फ काम लेते हैं। हम मंत्री जी से यही कहना चाहते हूँ कि हम लोग को जो बकाया मानदेय है वो पूरा करे, नहीं तो नारी को पहचानते नहीं। नारी एक चिंगारी है, अगर नारी में एकता बल है, अगर चिंगारी लगा देगी तो हेमंत सरकार को साफ कर देगी। हम लोग बनाने भी जानते हैं, हम लोग सफाई कर्मी हैं, सफाई भी उनको करना चाहते हैं। इसलिए हम ऐलान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो हम लोग को बकाया मानदेय है 48 महीना को भुगतान करें, नहीं तो हम लोग उनके आवास पर चक्का जाम करेंगे और अपना आत्महत्या करने का चौखट पगार पर हम लोग यहीं खड़ा हो जाएंगे। नारी में इतना शक्ति हम लोग दिखाएंगे कि पूरा हेमंत सरकार को मजबूर हो के हम लोग को पूरा करना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।